जाता था डीएनए खराब है, अब डीएनए ठीक हो गया। आई पलटू चाचा कहा कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे भाजपा में मिल रहे हैं लेकिन मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। तो आप लोग सब लोग कहा चाचा जी काम किए, तो एक और काम किए कि शराबबंदी की है, शराबबंदी हाथ उठा के बोले शराब चालू है कि बंद है, होम डिलीवरी हो रहा। चाचा जी बड़ा कलाकार आदमी है, इस दशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की, अपना पॉकेट भरने के लिए शराबबंदी की है। फर्क कितने हैं कि पहले दारू सस्ता मिलता था, अब महंगा मिल रहा। पहले 200 रुपया के बोतल अब 1000 रुपया 1500 में मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कि जो 200 और 1500 में अंतर कितने का है, 1300 का। ये 1300 रुपया जो है पलटू चाचा के पॉकेट में जा रहा है। गरीब तार के पेड़ पर चढ़ जाए तो जेल, फिर वो कराएगा बेल। और अमीरवान साहब बड़का बड़का आईएएस आईपीएस साहब, बड़ा बड़ा मंत्री जो एको दिन बिना पीले सो नहीं सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमको तो सबसे ज्यादा हमदर्दी और तरस बिहार पुलिस से, ये बेचारे इनकी गलती नहीं है, इनको तो जो आदेश आएगा हुकुम आएगा वहां डंडा उठा के चल देंगे ड्यूटी कर देंगे, इनकी थोड़ी ना गलती है। लेकिन चाचा जी जो है बिहार पुलिस का हाथ को बांध दिए। क्या काम होना चाहिए बिहार पुलिस का, अपराधी को पकड़ो, बलात्कारी को पकड़ो, हत्यारों को पकड़ो, अपहरणकर्ताओं को पकड़ो, चोर चकारों को पकड़ो। तो बिहार का पुलिस सुंगले चल रहा है के दारू पिया। तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो अपराध बढ़ गया। बिहार का अपराधी मस्त है क्योंकि बिहार पुलिस शराबी को पकड़ के पस्त है। इसलिए एक और काम किया हमारे पट्टू चाचा, बालू बंदी करा, सब गरीबन मजदूरन के पेट पे लात मार दी। गरीब का बच्चा कितना दिन भूखे सोया होगा, मजदूर का बेटा खाली पेट सोया होगा, जिसका मजदूरी छीनने का काम किया हमारे पट्टू चाचा, पेट पे लात मारने का काम किए। आज बालू महंगा हुआ कि नहीं हुआ, तीन गुना चार गुना महंगा होने गया। असली माफिया पलटू चाचा ना हुए। तो आप लोग देखिए, इन लोग गरीब विरोधी सरकार है, इन लोगों को खाली लालच है अपना कुर्सी का। बिहार में 40-40 बड़े घोटाले किए, डबल इंजन की सरकार नहीं थे, एक इंजन अपराध में है, दूसरे का इंजन भ्रष्टाचार में लगा बा। इसलिए आप लोगों से हम अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है राजू यादव जी को देकर के आप लोग जिताने का काम कीजिए। तीन तारा झंडा के छाप पर बटन दाबिए और लालू जी को न्याय दिलाइए, संविधान को बचाइए, आरक्षण को बचाइए। यही चंद शब्द कह के हम अपनी बात को खत्म करेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब मेरे पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हम साथ में थे। जब साथ में थे तो पिताजी ने बोला, बेटा निराश का है और दुखी का है, अगर जब भी निराश हो गए दुखी हो गए तो अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच आप लोगों के बीच आ रहे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिएगा। तो आप लोग कीजिएगा ना, हाथ उठा के बोले लालू जी के साथ कीजिएगा ना, राजू जी को जिताइएगा ना, मेरे साथ नारा लगाइएगा पक्का, दोनों हाथ उठा के मजबूती के साथ। आहोंने जो रोडवा पर खड़े को मोदी जी रोजगार दे दिए का, तो वो लोग साथ दे भाई, हम बोले भाजपा भगाओ, आप बोलिएगा देश बचाओ, ठीक ना। दोनों हाथ उठा के देखे जगदीशपुर की जनता के आवाज में कितना बुलंदी बा, खड़े हो जाइए सब लोग, अब जाने के समय सब लोग नारा लगाएंगे हाथ उठा के मजबूती के साथ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अब पलटू चाचा ला, हम बोले अब पलटू चाचा भगाओ, आप बोलेगा बिहार बचाओ, ठीक ना, पलटू चाचा भगाओ।
सांसद हम बोलेंगे आर के सिंह भगाओ, आप बोलेंगे आया बचाओ, ठीक ना? दोनों हाथ से मजबूती के साथ मैं न हूँ आर के सिंह भगाओ, आर के सिंह भगाओ, आर के सिंह भगाओ। हम बोलेंगे 23 मई भाजपा गई, तो सब बोलेगा भाजपा गई, ठीक ना? 23 मई भाजपा।